नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल रिव्यू बाजार में एक बार फिर से। दोस्तों, आजकल बॉलीवुड की फिल्में 100 करोड़, 150 करोड़ और 200 करोड़ की कमाई नॉर्मली कर लेती है। बॉलीवुड के जितने भी बड़े सुपरस्टार्स हैं उनकी फिल्मों को ऑडियंस काफ़ी पसंद करती है। यही वजह है दोस्तों कि इनकी फिल्मों का जो कलेक्शन है वो इंडियन सिनेमा और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 150 से 200 करोड़ रुपये का आसानी से हो जाता है। और यही वजह है कि बॉलीवुड के जो टॉप 5 सुपरस्टार्स हैं वो अपनी फीस में लगातार इजाफा करते ही जा रहे हैं और एक फिल्म को करने के लिए काफी ज्यादा फीस लेते हैं। वहीं दोस्तों, बॉलीवुड के यंग सुपरस्टार्स भी अपनी एक फिल्म को करने के लिए काफी ज्यादा फीस लेने लग चुके हैं और 2021 में इन लोगों की जो फीस है वो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा अगर आप भी बॉलीवुड की फिल्मों को देखना पसंद करते हैं और सुपरस्टार अक्षय कुमार, अजय देवगन, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, टाइगर श्रॉफ जैसे सुपरस्टार्स के डायहार्ट फैंस हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 15 पर नाम आता है इंडियन सिनेमा के महानायक और मेगा स्टार अमिताभ बच्चन सर का, जो कि एक फिल्म को करने के लिए 18 करोड़ रुपए की फीस ले रहे हैं। दोस्तों, सुपरस्टार अमिताभ बच्चन सर पिछले 60 सालों से इंडियन सिनेमा को एंटरटेन कर रहे हैं और अपनी बेहतरीन फिल्में और अपनी एक्टिंग से सभी का दिल जीत लेते हैं। इनके पास दोस्तों कुछ बेहतरीन अपकमिंग फिल्में हैं जो कि बॉक्स ऑफिस पर ऑडियंस को काफी पसंद आने वाली है। यही वजह है दोस्तों कि अमिताभ बच्चन सर आज एक फिल्म को करने के लिए 18 करोड़ रुपए की फीस ले रहे हैं। नंबर 14 पर नाम आता है दोस्तों यहां पर इंडियन सिनेमा के टैलेंटेड एक्टर, सिंगर, डांसर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर फरहान अख्तर का, जो कि इंडियन सिनेमा को कई सारी बेहतरीन फिल्में दे चुके हैं। बताते चले दोस्तों आपको कि फरहान अख्तर एक फिल्म को करने के लिए लगभग 20 करोड़ रुपए की फीस लेते हैं। अगला नाम आता है दोस्तों यहाँ पर बॉलीवुड के नवाब यानी कि सैफ अली खान का, जिनके पास आज इंडिया की सबसे बड़ी फिल्म आदि पुरुष है और इस फिल्म में वो लंकेश का कैरेक्टर निभा रहे हैं। सैफ अली खान की एक्टिंग दोस्तों ऑडियंस को काफी पसंद आती है, यही वजह है कि वो एक फिल्म को करने के लिए आज 25 करोड़ रुपए की फीस लेते हैं। अगला नाम आता है दोस्तों यहाँ पर बॉलीवुड के कबीर सिंह यानी कि शाहिद कपूर का, जो कि अपनी एक्टिंग, अपने डांस, अपने लुक से सभी को इम्प्रेस कर देते हैं। बताते चले दोस्तों आपको कि लास्ट ईयर इनकी फिल्म कबीर सिंह ने इंडियन सिनेमा के कई सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। उससे पहले उनकी फिल्म पद्मावत भी रिलीज हुई थी और अब दोस्तों उनकी मच अवेटेड फिल्म जर्सी रिलीज होने वाली है। जर्सी के लिए दोस्तों शाहिद कपूर ने 35 करोड़ रुपए की फीस ली है, जो कि एक बहुत ही बड़ा अमाउंट है। नंबर 11 पर नाम आता है दोस्तों यहां पर बॉलीवुड के उभरते हुए सुपरस्टार वरुण धवन का, जो कि अपनी फिल्मों से ऑडियंस का दिल जीत लेते हैं। अपनी एक्टिंग, अपने डांस और अपनी कॉमेडी से सभी का दिल जीत लेने वाले वरुण धवन एक फिल्म को करने के लिए आज के समय में 35 करोड़ रुपए की फीस ले रहे हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ा अमाउंट है। इनके पास भी दोस्तों कई सारी बड़ी फिल्में हैं और इनकी मच अवेटेड फिल्मों में हॉरर कॉमेडी फिल्म भेड़िया और श्रीराम राघवन के साथ उनकी एक और मच अवेटेड फिल्में हैं। यही वजह है दोस्तों कि वरुण धवन एक फिल्म को करने के लिए काफी ज्यादा फीस लेते हैं और वो इस लिस्ट में रहते हैं नंबर 11 पर। नंबर 10 पर नाम आता है दोस्तों इंडियन सिनेमा के यंग एक्शन सुपरस्टार टाइगर श्रॉफ का, जिनके एक्शन और डांस के हजारों नहीं, लाखों नहीं, बल्कि करोड़ों दीवाने हैं। टाइगर श्रॉफ दोस्तों यंग सुपरस्टार में सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग रखने वाले सुपरस्टार है और इनकी फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पर कई सारे रिकॉर्ड्स बना देती है। बताते चले दोस्तों आपको कि टाइगर श्रॉफ के पास भी अभी फिलहाल में कई सारी बड़ी फिल्में हैं, जिसमें हीरोपंती 2 और रॉकी भी शामिल है। दोस्तों टाइगर श्रॉफ एक फिल्म को करने के लिए आज के समय में 40 करोड़ रुपए की फीस लेते हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ा अमाउंट है। और इसी के साथ ये रहते हैं नंबर 10 पर। नंबर 9 पर नाम आता है दोस्तों बॉलीवुड के हैंडसम हंग और पिछले 20 सालों से बॉलीवुड को एंटरटेन कर रहे जॉन अब्राहम का। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताते चले कि जॉन अब्राहम, जिनकी मच अवेटेड फिल्मों में सत्यमेव जयते 2, अटैक और पठान जैसी फिल्में शामिल है। दोस्तों जॉन अब्राहम की एक्टिंग, उनके लुक्स और उनके एक्शन को ऑडियंस काफी पसंद करती है। यही वजह है दोस्तों कि जॉन अब्राहम पिछले 20 सालों से फिल्म इंडस्ट्री में राज कर रहे हैं और अपनी फिल्मों से सभी को एंटरटेन कर देते हैं। जॉन अब्राहम की दोस्तों आज के समय में जो फीस है वो काफी ज्यादा है और वो एक फिल्म को करने के लिए 45 करोड़ रुपए ले रहे हैं। यहाँ पर नंबर 8 पर नाम आता है दोस्तों बॉलीवुड के मास महाराजा और सुपरस्टार अजय देवगन सर का। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताते चले कि अजय देवगन सर जो कि कॉमेडी, एक्शन, ड्रामा और हर तरह की फिल्मों में अपने जादू छोड़ देते हैं। अजय देवगन सर की दोस्तों मच अवेटेड फिल्मों में मैदान, मुझ द प्राइड ऑफ इंडिया, गंगूबाई काठियावाड़ी और कई सारी बेहतरीन फिल्में शामिल है, जो कि इंडियन सिनेमा पे कई सारे रिकॉर्ड्स बना सकती है। इनकी लास्ट ईयर आई फिल्म तानाजी ने बॉक्स ऑफिस पर 280 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी और उसके बाद से ही सुपरस्टार अजय देवगन सर एक फिल्म को करने के लिए काफी ज्यादा फीस लेने लग चुके हैं। अजय देवगन सर एक फिल्म को करने के लिए आज के समय में 55 करोड़ रुपए की फीस ले रहे हैं और इसी के साथ ये रहते हैं नंबर 8 पर।
नंबर 7 पर नाम आता है यहाँ पर कपूर खानदान के वारिस और सबसे टैलेंटेड रणबीर कपूर का। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताते चलें कि रणबीर कपूर जो कि अपने चॉकलेटी लुक और अपनी एक्टिंग से सभी को दीवाना बना चुके हैं। रणबीर कपूर दोस्तों यूथ में काफी ज्यादा फेमस है और यही वजह है कि उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार कमाई कर लेती है। रणबीर कपूर एक फिल्म को करने के लिए आज के समय में 60 करोड़ रुपए की फीस ले रहे हैं। वही दोस्तों इसी लिस्ट में नंबर 8 पर नाम आता है रणवीर सिंह का, जो कि रणबीर कपूर के काफी कड़े कॉम्पिटिटर है। बताते चले दोस्तों आपको कि रणवीर सिंह अपने लुक्स, अपनी स्टाइल और अपने पहनावे के कारण काफी जाने जाते हैं और उनकी एक्टिंग भी ऑडियंस को काफी पसंद आती है। आज के समय में दोस्तों रणवीर सिंह के पास काफी बड़े बड़े प्रोजेक्ट है और यही वजह है दोस्तों कि इनकी फैन फॉलोइंग लगातार बढ़ती ही जा रही है और बॉक्स ऑफिस पर इनकी फिल्में भी काफी अच्छी कमाई करती है। बताते चले दोस्तों आपको कि रणवीर सिंह भी एक फिल्म को करने के लिए आज के समय में 60 करोड़ रुपए की फीस लेते हैं। अगला नाम आता है यहाँ पर बॉलीवुड के ग्रीक गॉड यानी कि सुपरस्टार ऋतिक रोशन का, जो कि पिछले 20 सालों से इंडियन सिनेमा को अपने डांस, लुक्स और एक्टिंग की वजह से फेमस कर रहे हैं। ऋतिक रोशन की दोस्तों बच्चे हो या बूढ़े सभी के बीच में काफी अच्छी फैन फॉलोइंग है और यही वजह है कि इनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर नए नए रिकॉर्ड बना देती है और बॉलीवुड के सभी बड़े सुपरस्टार्स को ऋतिक रोशन काफी कड़ी टक्कर देते हैं। दोस्तों ऋतिक रोशन की लास्ट फिल्म वॉर ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 320 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर लगभग 500 करोड़ रुपए कमाए थे। यही वजह है दोस्तों कि ऋतिक रोशन एक फिल्म को करने के लिए आज के समय में 70 करोड़ रुपए की फीस लेते हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ा अमाउंट है। इनके पास भी दोस्तों कुछ बेहतरीन फिल्में हैं जो कि इंडियन सिनेमा के कई सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ देगी। अगला नाम आता है यहाँ पर बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्टनिस्ट यानी कि आमिर खान का। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताते चले कि इंडियन सिनेमा को सबसे ज्यादा बड़ी ग्रोसर फिल्में देने वाले 100 करोड़ के क्लब में, 200 करोड़ के क्लब में और 300 करोड़ के क्लब में सबसे पहले एंट्री मारने वाले सुपरस्टार आमिर खान को ऑडियंस काफी पसंद करती है। इनकी फिल्में दोस्तों नए नए रिकॉर्ड बना देती है और इनके पास भी कई सारी बेहतरीन फिल्में हैं जो कि इंडियन सिनेमा के नए नए इतिहास रच देगी। बताते चले दोस्तों आपको कि आमिर खान एक फिल्म को करने के लिए 75 करोड़ रुपए की फीस लेते हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ा अमाउंट है। अगला नाम आता है यहाँ पर बॉलीवुड के किंग खान और बादशाह शाहरुख खान का। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताते चले कि शाहरुख खान जिनके सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि दुनिया भर में फैंस है। इनकी फैन फॉलोइंग दोस्तों दुनिया भर में सबसे ज्यादा है और यही वजह है दोस्तों कि इनके फैंस इंडिया ही नहीं बल्कि दुनिया भर में इनकी फिल्मों को सुपर डुपर हिट करवा ही देते हैं। हालांकि दोस्तों पिछले 5 या 6 सालों से इनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पा रही, लेकिन इनकी फैन फॉलोइंग में कोई भी कमी नहीं आई और यही वजह है दोस्तों कि इनकी मच अवेटेड फिल्म पठान, जो कि अगले साल रिलीज होने वाली है, इस फिल्म के लिए सुपरस्टार शाहरुख खान ने 100 करोड़ रुपए की फीस ली है। हालांकि दोस्तों शाहरुख खान एक फिल्म को करने के लिए 85 करोड़ रुपए की फीस लेते हैं और ये रहते हैं इस लिस्ट में नंबर 3 पर। नंबर 2 पर नाम आता है बॉलीवुड के भाईजान और बॉक्स ऑफिस के किंग यानी कि सुपरस्टार सलमान खान का। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताते चलें कि सलमान खान आज इंडिया के सबसे बड़े सुपरस्टार है और बॉक्स ऑफिस पर भी राज करते हैं। सलमान खान की मच अवेटेड फिल्म राधे का ट्रेलर अभी कुछ दिनों पहले ही रिलीज किया गया है और साथ ही में उनका गाना सीटी मार भी ऑडियंस को काफी पसंद आ रहा है। बताते चले दोस्तों आपको कि सलमान खान की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ शुरुआत के 2 या 3 ही दिनों में 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर लेती है और नए नए इतिहास रच देती है। सलमान खान दोस्तों आज के समय में एक फिल्म को करने के लिए 100 करोड़ रुपए की फीस ले रहे हैं, जो कि दोस्तों एक बहुत ही बड़ा अमाउंट है और कई सारी फिल्मों का तो बजट भी 100 करोड़ रुपए नहीं होता। वही दोस्तों नंबर 1 पर नाम आता है बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार और मिनी फिल्म इंडस्ट्री यानी कि सुपरस्टार अक्षय कुमार का। अपने परफेक्शन, एक्टिंग, लुक्स, कॉमेडी यानी कि दोस्तों आप कुछ भी करवा लो, अक्षय कुमार सर हर रोल में फिट हो जाते हैं। यही वजह है दोस्तों कि इनके पास आज फिल्मों की लाइनअप लगी रहती है और ये साल में 3 से 4 फिल्में आसानी से कर देते हैं। अक्षय कुमार के पास दोस्तों कई सारी बेहतरीन फिल्मों की लाइनअप है और इनकी फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पर नए नए रिकॉर्ड रच रही है। बताते चले दोस्तों आपको कि 2019 में ही इनकी टोटल 4 फिल्में रिलीज हुई थी और चारों ही फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर 150 करोड़ और 200 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी। वहीं दोस्तों इनकी अपकमिंग फिल्मों में सूर्यवंशी और पृथ्वीराज चौहान बॉक्स ऑफिस पर नए नए रिकॉर्ड रचने वाली है और लगभग 300 से 400 करोड़ रुपए की कमाई कर लेगी। यही वजह है दोस्तों कि सुपरस्टार अक्षय कुमार जिनकी फैन फॉलोइंग लगातार बढ़ती ही जा रही है, यह एक फिल्म को करने के लिए 122 करोड़ रुपए की फीस लेते हैं और इस लिस्ट में रहते हैं नंबर 1 पर। हालांकि दोस्तों सुपरस्टार अक्षय कुमार एशिया के सबसे ज्यादा फीस लेने वाले सुपरस्टार है और इन्होंने जैकी चैन, रजनीकांत सर जैसे बड़े सुपरस्टार्स को भी पीछे कर दिया है और नंबर 1 पर आ चुके हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों इस लिस्ट में नंबर 1 पर कौन होना चाहिए? हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा और बॉक्स ऑफिस बॉलीवुड और साउथ फिल्मों के अपडेट्स के लिए आपके अपने चैनल रिव्यू बाजार को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।